हेलो दोस्तों, आज टॉप 5 वेजिटेरियन चीप प्रोटीन सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे और जो आपके मसल गेनिंग गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वेजिटेरियन जो सोर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। इसमें आप अपने डेली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आसानी से पूरे कर सकते हैं। नंबर 1 है राजमा। राजमा के पर 100 ग्राम सर्विंग में आपको 22.9 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। नंबर 2 पे आता है काबुली चना, जिसके 100 ग्राम सर्विंग में आपको 17.1 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। नंबर 3 है मूंग दाल। मूंग दाल के 100 ग्राम के सर्विंग में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इसके ऊपर डिटेल्स में हमने एक और वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। नंबर 4 पे आता है पीनट्स। दोस्तों, पीनट्स के 100 ग्राम सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा फैट्स भी मिलेंगे, तो आप इसके 100 ग्राम कंज्यूम ना करें और हो सके तो आप पीनट्स बटर को ही खरीद लीजिए। पीनट्स बटर के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। नंबर 5 है चौली। चौली के 100 ग्राम पर सर्विंग में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट आता है 8 से 10 रुपीज़ के अंदर, जो काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स है। दोस्तों, आज का सवाल है, क्या सोयाबीन अपने डाइट में ऐड करना चाहिए? अगर चाहिए तो कितना क्वांटिटी में ऐड करना सेफ रहेगा? आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।